आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गूगल असिस्टेंट से कैसे फ्री में बात कर सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट के। जी हाँ, एक टोल फ्री नंबर डायल करके आप गूगल असिस्टेंट से फ्री में बात कर सकते हो। जी हाँ, और आप जानते ही हो गूगल असिस्टेंट से आप दुनिया का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मौसम की जानकारी भी ले सकते हैं। आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, ये भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करना पड़ेगा गूगल असिस्टेंट से बात करने के लिए, ठीक है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपके पास किस तरह का मोबाइल है, चाहे आपके पास कीपैड मोबाइल हो या एंड्रॉयड मोबाइल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके पास एक कॉल करने के लिए मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मेरे पास दो सिम कार्ड हैं, एक आइडिया का है और एक वोडाफोन का है। इन दोनों में प्रॉपरली 100% फ्री में वर्क कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल टोल फ्री नंबर की तरह वर्क कर रहा है ये नंबर, ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करना, अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है, एयरटेल का सिम कार्ड है या कोई अदर सिम कार्ड है, क्या इससे भी ये बिल्कुल फ्री में वर्क कर रहा है, जो मैं आपको नंबर आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे आप कॉल करके गूगल असिस्टेंट से फ्री में बात कर सकते हैं। सो लेट एक्सप्लोर दिस वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आ चुके अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर और आपको एक नंबर डायल करना पड़ेगा जिससे आप गूगल असिस्टेंट से फ्री में बात कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने वोडाफोन के सिम से नंबर डायल कर रहा हूँ, ठीक है। 000809191000। ओके, आप वोडाफोन या आइडिया से बिल्कुल 100% फ्री में गूगल असिस्टेंट से बात कर सकते हैं। और आपके पास किसी अदर नेटवर्क का सिम हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करना और ट्राई ज़रूर करना। तो आप क्या पूछना चाहेंगे? आज कौन सा दिन है और कौन सी तारीख है? अभी रविवार 1 दिसंबर 2019 है। भारत की राजधानी का नाम क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ओके ओके, तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैंने अपना नाम नहीं बताया? नमस्ते, मैं हूँ आपकी गूगल असिस्टेंट। थैंक यू, आपका स्वागत है। चलो ये बताओ, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? aajtak.intoday.in वेबसाइट के अनुसार दिल्ली से पहले कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया था, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। इस बारे में और जानने के लिए अपने गूगल होम या गूगल असिस्टेंट एप्लीकेशन पर इसका लिंक देखें। थैंक यू गूगल। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।